हाँ भाई, तो हम लोगों ने अपने पास आगे कंटिन्यू करना है रिवीजन। लास्ट क्लास में कंपनीज एक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था और कंपनीज एक्ट में हम लोगों ने अपने पास काफ़ी डिस्कशन कर ली थी। आज आगे पढ़ते हैं अपने पास। आज हमने पढ़ना है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसमें देखो, सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है कि प्रमोटर क्या होता है। देखो, प्रमोटर सिंपली कहने का मतलब क्या है, प्रमोटर एक ऐसा आदमी है जिसने कंपनी जनरेट मतलब कंपनी खोलने का आइडिया निकाला था। उसी ने सोचा था कि कंपनी खोलूं या एक बिजनेस चलाऊं, और वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा वो ये दिमाग लगाता है, वो बंदा दिमाग लगाता है। फिर प्रमोटर क्या काम करता है, और प्रमोटर ढूंढता है कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होने वाले हैं। वो ये सोचता है कंपनी में शेयर कैपिटल किस तरीके की होगी, मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कितने कितने रखने चाहिए। फिर वो सोचता है कंपनी शेयर कैपिटल वाली खोलूँ, गारंटी कैपिटल वाली कंपनी खोलूँ, अनलिमिटेड कंपनी खोलूँ। फिर उसका दिमाग लगाता है कि प्राइवेट कंपनी खोलूं, ओपीसी खोलूं या फिर एक पब्लिक कंपनी खोलूं। फिर उसको ये सोचना है कि कंपनी के जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कैसे करने हैं, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स को ढूंढना है, कंपनी में काम कौन कौन करके एम्प्लॉयज़ उनको ढूंढना है, कंपनी में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, जो MOA होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, उसको बनाना होता है उसको। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको सबमिट करना होता है विद आरओसी। तो प्रमोटर बेसिकली एक ऐसा आदमी जिसने कंपनी खोली और कंपनी खोलने के जितने भी प्रोसेसेस थे वो सारे काम करे, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रमोटर। अब प्रमोटर की जब तुम ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट प्रमोटर की डेफिनेशन कुछ और ही बोलता है। ठीक है, हमें मतलब पता होना चाहिए कि प्रमोटर कौन होता है, एक ऐसा आदमी जो कंपनी खोलता है, कंपनी खोलने के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करता है। इस कंपनी खोलने के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी या फिर प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन से प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं होता, जो तुम समझते हो कि एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो प्रमोशन है। यहाँ पे प्रमोशन है मतलब कंपनी को स्टार्ट करना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट क्या डेफिनेशन बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है प्रमोटर तो जी वो है जिसका नाम कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में लिख के दे रखा है। प्रॉस्पेक्टस क्या है, कंपनी जब पब्लिक से पैसा उठाती है तो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसका नाम है प्रॉस्पेक्टस। उस डॉक्यूमेंट के बेस पे पब्लिक को पब्लिक पैसा देती है। तो अगर आपने प्रॉस्पेक्टस में किसी का नाम लिख रखा है एज प्रमोटर तो हम तो जी उसको प्रमोटर मानेंगे। या फिर कंपनी को फाइल करनी होती है एक एनुअल रिटर्न, ये तुम सीखोगे इंटरमीडिएट लेवल पे आके कि कंपनी को एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, एनुअल रिटर्न में जिसका नाम लिखा गया एज प्रमोटर वो उसको प्रमोटर मानते हैं। या फिर जिस किसी ने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया हुआ है उसको प्रमोटर मान लेते हैं। ठीक है, या फिर जिसके डायरेक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलने वाले हैं, मतलब एक आदमी के कहने पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुपचाप हाँ जी हुजूर कर दें कि हाँ सर आपने जो बोला हम मान लेंगे, तो उसको प्रमोटर मान लेंगे। या फिर अगर एक ऐसा आदमी है जिसके कहने पे कंपनी के अफेयर्स चलते हैं, मतलब उसके इशारे पे या तो कंपनी चलती है या उसके इशारे पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलते हैं तो क्या होगा, उसको कहलाएंगे हम प्रमोटर कहलाएंगे। तो कंपनी एक्ट तीन चीज़ों में बोलता है, कहता है या तो प्रॉस्पेक्टस में नाम दे दो या फिर एनुअल रिटर्न में नाम दे दो, या फिर जिसके इशारे पे कंपनी के अफेयर्स चलते हैं वो प्रमोटर है, या फिर जिसके इशारे पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलते हैं वो है हमारा प्रमोटर। बट प्रमोटर बेसिकली कौन है, हमने डिस्कस किया, जिसने कंपनी फॉर्म करी है, आइडिया लाया है, सारे काम वाम करें वो है हमारा प्रमोटर। ठीक है, तो देख लो ये हमारी डेफिनेशन है, प्रोस्पेक्टिव जिसका नाम दिया है या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में दिया है, या जो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स, या फिर जिसकी एडवाइस पे बोर्ड डायरेक्टर्स चलें वो कौन है, प्रमोटर। ये बात तो कंपनी एक्ट बोलता है, बट जनरली कौन होता है, एक पर्सन जो कंपनी फॉर्म करता है उसके पास आइडिया आता है, वो सारे स्टेप्स लेता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो बस ध्यान रखना जो CA CMA या CS कंपनी फॉर्म करवाते हैं उनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो हेल्प कर रहे हैं प्रमोटर की। अगर वो खुद अपनी कंपनी खोल ले तब प्रमोटर है, बट अदरवाइज जैसे तुम डिग्री ले लोगे अपनी CA की, तो जो तुम उस डिग्री का फायदा उठाओगे किसी की हेल्प करने के लिए कंपनी बनाने के लिए, तुम्हें प्रमोटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है बात। अब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, हमें पता है कंपनी खोलने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आपको अपना नाम रिजर्व करवाना होता है। नाम रिजर्व करवाने के लिए आपको MCA की वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ पर रिजर्व करने के लिए एक नाम एक एप्लीकेशन होती है, वहाँ से आप नाम रिजर्व करवा सकते हो। कैसे रिजर्व करवाओगे, आपको अपने नाम सबमिट करना होता है ROC के पास। कितने नाम देने होते हैं, 6 नाम देने होते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जो नाम सबसे पहले रखना चाहते हो वो, अगर वो नाम अवेलेबल नहीं हुआ तो दूसरा, वो नहीं हुआ तो तीसरा। याद करो, तुम लोग कभी जीमेल आईडी की पासवर्ड जीमेल बनाते हो, नई आईडी बनाते हो,
तो वो कहता है यूजर नेम चूज करो, तुम यूजर नेम चूज करते हो तो क्या कहता है दिस यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर तुम दूसरा ढूंढते हो, वो भी मिल नहीं मिलता तो फिर तीसरा ढूंढते हो, है ना। तो जो तुम्हारी प्रायोरिटी पे होता है नाम पहले वही लिखते हो ना, तो वैसे ही IROC के पास भी तुम पहले नाम प्रायोरिटी में लिखोगे कि भैया सबसे पहले अगर ये मिल जाए तो बढ़िया है, सेकेंड नंबर पर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर छः, ऐसे हमें छः नाम देने होते हैं IROC के पास। अच्छा अगर आरओसी को आपके छह नामों में से कोई एक नाम मिल जाता है कि हाँ आप ये नाम रख सकते हो, तो वो आपके लिए नाम रिजर्व करके रखेंगे फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, ठीक है। अगले 60 दिनों के अंदर अंदर वो नाम आपके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा और 60 दिनों के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी पूरी खोलनी पड़ेगी, नहीं तो वो नाम किसी और को चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आप कंपनी खोलते हो तो कंपनी में होने भी चाहिए डायरेक्टर, अगर आपको डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी में तो ऐसे नहीं बन सकते, तुम्हें दो चीज़ें चाहिए, उसके लिए पहले चाहिए होता है डिजिटल सिग्नेचर और एक चाहिए होता है DIN नंबर, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बात तुम सीखोगे अपने फाइनल लेवल पे पहुंच के, कि फाइनल लेवल पे बताया जाएगा कि DSC क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और एक होता है DIN। तो सिंपली अभी के लिए बस ये समझ लो कि दो चीज़ें चाहिए, DIN नंबर और DSC, अगर आपके पास वो नहीं है तो डायरेक्टर नहीं बन सकते। और क्या हर किसी को मिल सकता है? हाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत बड़ी कि आपको DIN नहीं मिल सकता, तो कोई भी DIN ले सकता है, ठीक है। अच्छा फिर ऐसे समझो, जैसे मान लो तुम कभी कोई ऑर्डर प्लेस करते हो या तुमने कभी कोई कंप्लेंट रेज करी, मान लो तुम्हारे घर पे इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, तो कोई या कोई भी मोबाइल में इंटरनेट की इशू चल रहा है, तो तुम क्या करते हो कंप्लेंट रेज करते हो, कंप्लेंट रेज करते हो तुम्हें कंप्लेंट नंबर मिलता है, मिलता है उस कंप्लेंट नंबर से क्या करते हो तुम ट्रैक कर सकते हो कि तुम्हारी कंप्लेंट का क्या स्टेटस चल रहा है, करेक्ट। कई बार होता है ना बैंक के बैंक से पैसे कट गए, तुमने ट्रांजैक्शन करी पर पैसे कट गए, सामान ऑर्डर नहीं हुआ, तो क्या करते हो बैंक में कंप्लेंट रेस करोगे, रेस करने पे देते हैं एक नंबर, वो नंबर से हम ट्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप कंपनी में एप्लीकेशन दे आरओसी में एप्लीकेशन देते हो कि भाई मुझे कंपनी खोलनी है, तो वो आपको देते हैं एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, जिसके बेस पे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पहुँचा, ठीक है। अच्छा आ जाओ, अब इनकॉर्पोरेशन कंपनीज में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, पहली चीज़ तो आपको फाइल करने होंगे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम एज इंडियन सिटीजन हम पे गवर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे पास जो भी राइट्स हैं या जो हमारी ड्यूटीज़ हैं सब कहाँ लिखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी है, हम उसकी बियॉन्ड नहीं जा सकते। सिमिलरली कंपनी के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है उसका MOA, तो कंपनी का आपको MOA बनाना पड़ेगा और AOA बनाना पड़ेगा, AOA जो है वो MOA के अंडर में आता है, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर MOA उसके नीचे AOA, MOA बताएगा आप क्या क्या कर सकते हो, AOA बताएगा करना कैसे है, क्या क्या कर सकते हो औकात कहाँ तक है ये बता देगा, बट करना कैसे है वो काम वो क्या बताएगा आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आपको अपना MOA और AOA बना के ROC को देना है, फिर आपको एक जो आपका जो आपकी कंपनी फॉर्म करवा रहा है वो या तो CA होगा या CMA होगा या CS होगा या लॉयर होगा, इससे एक सर्टिफिकेट लेना है, एक और सर्टिफिकेट किससे लेना है वही सर्टिफिकेट औरों से भी लेना है, डायरेक्टर से लेना है या मैनेजर से लेना है, ठीक है। क्या लेना है कि भैया कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी करी है, कंपनी 2013 में जो जो चीज़ें हैं उन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा है और उन्होंने किसी भी तरीके से कोई गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करी है, ये बात उनको बतानी है, ठीक है। फिर उनको क्या बताना है, फिर उनको बताना है कि कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो कौन रहेंगे, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे और उनकी डिटेल्स, नाम पता घर का पता, फिर उनका जो आधार कार्ड नंबर है वो सारी चीज़ें बतानी है, और क्या बताना है, जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होंगे टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनके बारे में भी डिटेल्स, मतलब ये जो MOA है MOA को जो साइन करता है वो कौन कहलाता है प्रमोटर, MOA को साइन करने वाले वो लोग क्या बोलेंगे प्रमोटर, तो आपको प्रमोटर की भी सारी डिटेल बतानी, नाम पता घर का एड्रेस फोन नंबर और उसका आधार कार्ड नंबर पैन कार्ड नंबर जो भी चीज़ें वो भी आपको बतानी है, ठीक है। और एक फॉर्म होता है स्पाइस प्लस, वो भी आपको फिल करना होता है, स्पाइस प्लस फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ई छोटा रहता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिकली से ई छोटा आ जाता है,
तो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर या प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपको ये स्पाइस प्लस फॉर्म भी फिल करना होता है। ये जब तुम इंटरमीट लेवल पे आओगे तो पता चलेगा, इसको बोलते हैं फॉर्म नंबर INC 32। इंटरमीडिएट लेवल पर जब पहुंचोगे तब बताया जाएगा कि दिस इज फॉर्म नंबर INC 32, वैसे इसका नाम होता है स्पाइस प्लस। ठीक है, तो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, देख लो, MOA देना है, AOA देना है, डेक्लेरेशन देना है किससे, CA CMA CS या फिर लॉयर से, साथ ही साथ डायरेक्टर मैनेजर या सेक्रेटरी से कि उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी हैं और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे को सारी सबमिट करी है। फिर सब्सक्राइबर्स टू MOA की डिटेल्स देनी है, फर्स्ट डायरेक्टर्स की भी डिटेल्स देनी है। ठीक है, और क्या देना है, अच्छा, इन लोगों से जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं और फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, इनसे एक डिक्लेरेशन लेना है और एक स्वॉन एफिडेविट। स्वॉन एफिडेविट मतलब कसम खिलवानी है। क्या इनसे कसम खिलवानी, किनसे, सब्सक्राइबर से और फर्स्ट डायरेक्टर से एक कसम खिलवानी और एक डिक्लेरेशन लेना है कि इन्होंने पहले जब भी कभी कंपनी खोली है तो ये इन्होंने कभी फ्रॉड नहीं किया, उसमें किसी तरीके से कोई गिल्टी नहीं है और इन्होंने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया है, सारे डॉक्यूमेंट जो फाइल कर रहे हैं वो सब ठीक हैं। तो इनको ये डिक्लेरेशन देनी है कि इन्होंने, इनको कभी भी किसी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कोई दोषी नहीं पाया गया है, इन्होंने कभी भी ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स किसी तरीके से कोई फ्रॉड में ये दोषी नहीं पाए गए, और इन्होंने ये भी डिक्लेरेशन देना है कि जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करे हुए दारोसी ये सारे क्या हैं, ट्रू हैं, इनमें कोई भी गलती इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, करेक्ट दिए, कंप्लीट दिए, ट्रू दिए। फिर कंपनी का एड्रेस भी देना है कि भैया चिट्ठी कहाँ पहुँचाई जाए, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उस भी कम्युनिकेशन कहाँ दी जाए, तो उसका एड्रेस बताना है। फिर जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है उनकी डिटेल्स बतानी है, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उनकी सारी डिटेल्स बतानी है, और अगर डायरेक्टर्स का कंपनी जिस कंपनी में खरीद शेयर कुछ फॉर्म कर रहे हैं उसके अलावा किसी और कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग है तो वो बतानी है, या कंपनी के किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर डायरेक्टर्स का अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो भी डिस्क्लोज करना है। ये सारी डिटेल्स क्या करनी है, सबमिट करनी है टू ROC। ठीक है, आ जाओ। अब अगर ROC को लगता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक सबमिट किए हैं तो वो क्या करेगा, आपको इशू कर देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक प्रूफ है कि हाँ भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। जैसे तुमने फाउंडेशन में रजिस्टर करवाया होगा तो तुम्हें एक चिट्ठी आई होगी कि कन्फर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CA फाउंडेशन, तो वो चिट्ठी मिली। उसी तरीके से कंपनी को भी चिट्ठी मिलती है, क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके अंदर जैसे तुम्हें मिला होगा एक स्पेशल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर NRO या CRO से मिला होगा, वैसे ही कंपनी को भी मिलता है क्या, SIN नंबर, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो कंपनी के लिए यूनिक है और वो कंपनी के सर्टिफिकेट के साथ लिखा हुआ आएगा कि आपको हमने ये SIN नंबर अलॉट किया। हर कंपनी का अलग SIN नंबर होगा, जैसे तुम लोगों का हर किसी का अपना एक अलग CRO या अलग NRO नंबर है, वैसी कंपनी का भी एक अलग SIN नंबर होगा। अच्छा, अब कंपनी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने भी डिस्कस किए, ये कंपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल करती है ROC के पास, कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं अपने पास। ये कब तक मेंटेन करने हैं, जब तक कंपनी डिसॉल्व ना हो जाए, मतलब लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि कंपनी पे आज डॉक्यूमेंट फाइल करे ROC के पास फॉर्म करने के लिए और फेंक दिए, नहीं, आपको वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं टिल द टाइम द फॉर्म कंपनी इज डिसॉल्व, मतलब जिंदगी भर। अच्छा, कहाँ मेंटेन करने, ये मेंटेन करने आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे, यानी कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आपको इनको मेंटेन करके चलना होगा। आगे, अगर आपने ROC को कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत फाइल करी है या इनकरेक्ट फाइल करी है, फ्रॉडुलेंट फाइल करी है, तो कंपनी के ऊपर, कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर, कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके ऊपर, यहाँ तक कि जो CA CMA CS हैं, लॉयर हैं, उनके ऊपर फ्रॉड की पेनल्टी लगेगी जो कि सेक्शन 447 में गिवन होती है। ध्यान रखना, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ CA कि तुम ठीक इन्फॉर्मेशन फाइल करो, गलत इन्फॉर्मेशन मत फाइल करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी 447 की फ्रॉड वाली पेनल्टी लग जाएगी। इसके अलावा और भी चीज़ें क्या है, अगर कंपनी जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुई है गलत इन्फॉर्मेशन देके, या उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन सप्रेस करी है, छुपाई है, इनकरेक्ट फाइल करी है, तो उनके डायरेक्टर्स को निकाला जा सकता है, कंपनी को बंद किया जा सकता है, या कंपनी का नाम राइट ऑफ करा जा सकता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं, प्रमोटर्स को जेल पहुँचा सकते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर को जेल पहुँचा सकते हैं, CA CMA CS एडवोकेट जिन्होंने कंपनी फॉर्म करवाई थी उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फाइल करी, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है,
तो एक्शन कौन लेगा? एक्शन लेगा ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कहीं कहीं पे ये एनसीएलटी से भी मिल सकता है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये क्या ऑर्डर पास करेगी? अगर उसको पता चल गया आपने फ्रॉड करा है तो वो क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकती है? पहली बात तो जो उसको ठीक लगे वो कर सकती है। और क्या कर सकती है? अगर उसको लगता है कि डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, हटा देगी। अगर उसको लगता है कंपनी को वाइंड अप करवाना है, बंद करवा देगी। अगर उसको लगता है कंपनी का नाम रिमूव करना है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रिमूव कर देगी। या कंपनी के और भी कोई डायरेक्शन जो उनको ठीक लगता है, अच्छा कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज करना है, मतलब शेयर होल्डर्स को किसी को हटाना है, रिमूव करना है, नए लाना है, वो करना चाहता है, वो भी कर सकती है। मतलब जो एनसीएलटी को ठीक लगता है वो ऑर्डर पास कर सकती है। बट किसी को भी सजा देने से पहले अपनी सफाई पेश करने का मौका देना चाहिए। यह हमारे देश का कानून है कि आप किसी को सजाए मौत देने से, सजा किसी भी तरह की सजा देने से पहले उसकी बात सुनोगे जरूर। तो यहां पे जिस किसी के ऊपर भी केस चल रहा होगा गलत इंफॉर्मेशन फाइल करने का, उसकी बात सुनी जाएगी। एंड एनसीएलटी ये बात भी ध्यान रखेगा कि कंपनी ने अगर एग्जिस्टेंस में आने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट से कोई लाइटीज इनकर कर रखे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऑर्डर से और भी नुकसान हो जाए। तो कंपनी उन चीज़ों को, एनसीएलटी उन चीज़ों को भी ध्यान रख के ऑर्डर पास करेगी कि कंपनी बंद करनी है, मैनेजमेंट में चेंज करना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव करने हैं, कंपनी को वाइंड अप करना है, क्या करना है, वो सब कंपनी एनसीएलटी ये सब कुछ सोच के डिसाइड करेगी। ऐसे नहीं कि कुछ उठा के पास कर दिया। ठीक, आगे मैंने बताया था स्पाइस प्लस फॉर्म फिल करना था, उसकी फुल फॉर्म देखो, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। तो ये एक फॉर्म होता है जिसको तुम, इन मैंने बोला था आगे चल के क्या सीखोगे, फॉर्म नंबर कौन सा है? INC 32। इंटरमीडिएट लेवल पे जाके सीखोगे कि इसको बोलते हैं फॉर्म INC 32। ठीक है, अब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या है? कंपनी बन जाएगी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी बन जाएगी एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। उसके पास परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा, मतलब कंपनी के मेंबर्स सारे चले भी जाएं छोड़ के कंपनी को, सारे मेंबर्स मर भी जाएं तब भी कंपनी जिंदा रहेगी। कंपनी के पास एक कॉमन सील आ जाएगी। कॉमन सील याद रखना मैंडेटरी नहीं है। कॉमन सील क्या है? कंपनी की स्टैंप है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कॉमन सील रखो। कंपनी अपने नाम पे केस कर सकती है, कंपनी के नाम पे ऊपर केस हो सकता है, कंपनी अपने नाम पे असेट्स खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पे लाइबिलिटीज भी इनकर कर सकती है। दूसरी चीज, कंपनी जो है शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। क्या शेयर होल्डर कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने आप में एक अलग इंसान है। एक बात सोचो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ओन करते हैं? नहीं। तो फिर क्या तुम खुद किसी को ओन कर सकते हो, किसी इंसान को? नहीं। तो जब कंपनी भी एक पर्सन है तो आप पर्सन को ओन नहीं कर सकते। तो कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, आगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, आगे देखते हैं। हाँ, अ कंपनी मे परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एंड दस बिकम अ कंट्रोलिंग कंपनी। आप जैसे तुम्हें अलाउड है कि तुम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, वैसे ही कंपनी भी तो एक इंसान बनाई हमने, तो कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है और हो सकता है इतने शेयर्स खरीद ले कि वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाए। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अच्छा और क्या है? क्या रहा है? लॉ रिकग्नाइजेज अ कंपनी एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। द मेयर फैक्ट दैट द एंटायर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लॉर्ड शेयर्स हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी एंड डज नॉट मेक आर कंपनी एन एजेंट आइदर ऑफ द प्रेजेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपली सेम ये क्या कह रहा है? अगर मान लो एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी थी जिसमें 51% शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर होल्ड करती है। अगर आपकी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मान लो गवर्नमेंट कंपनी में 100% शेयर सरकार ने होल्ड कर रखे हैं, तब भी वो कंपनी एक अलग मेंबर है और गवर्नमेंट अलग मेंबर है। भले ही सरकार आ जाए तब भी सरकार भी कभी भी कंपनी ओन नहीं कर सकती। अच्छा एक बार बता देता हूँ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब शेयर्स खरीदती है तो शेयर्स खरीद जाते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, जैसे तुमने एक कंपनी का नाम सुना होगा NTPC, सुना है? बिजली बनाते हैं लोग कंपनी। तो ये जो कंपनी है NTPC, ये एक सरकारी कंपनी है, इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो किसकी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी गवर्नमेंट अपने नाम से खरीदती है, प्रेसिडेंट के नाम से खरीदती है। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या लिख रहा है, जो कंपनी का एमओ है और आर्टिकल्स है, एक बार वो रजिस्टर्ड हो गए तो बाइंड करता है कंपनी को और मेंबर्स को। हमने डिस्कस किया है कि जैसे हम गवर्न होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी गवर्न होती है बाय मेमोरेंडम, तो अगर आपने कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक बार रजिस्टर करवा लिए तो कंपनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके कुछ भी नहीं कर सकती। कंपनी को अपने एमओए और एओए के जो पॉइंट्स हैं उनसे वो बाइंड हो जाएगी, ठीक है। कंपनी इज बाउंड बाय द मेंबर्स, मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी एंड मेंबर्स आर बाउंड टू अदर मेंबर्स बाय वॉट एवर इज कंटेन इन दीज डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखना, नाइदर अ कंपनी नॉर इट्स मेंबर्स आर बाउंड टू आउटसाइडर्स। ध्यान रखना, कंपनी और जो कंपनी के जो एमओए हैं और जो कंपनी है वो बाइंड हो जाते हैं मेंबर्स आपस में एक दूसरे से, बट किसी थर्ड पर्सन की तरफ वो बाइंड नहीं होते। जैसे हम बाइंड हैं टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट क्या हम बाइंड है किसी पाकिस्तानी सिटीजन पाकिस्तान की तरफ? नहीं। या नेपाल की तरफ? नहीं। हमारी बाउंडेशन है कहाँ तक है? सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन तक, बाहर के आउटसाइडर की तरफ हमारी बाउंडेशन नहीं आती। सिमिलरली कंपनी इज बाउंड बाय एमओए, मेंबर्स आर बाउंड बाय एमओए, कंपनी इज बाउंड टू इट्स मेंबर्स, मेंबर्स आर बाउंड टू इट्स कंपनी, बट दे आर नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, कंपनी की कैपिटल को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ होता है उसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं शेयर कैपिटल, कि भैया पहले होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है? जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी उठा सकती है फ्रॉम द पब्लिक या फिर फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अगर आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना है तो क्या करो, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर दो। आपने एमओए को बढ़ा दिया, आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ा सकते हो, बट एक बार ऑथराइज कैपिटल आपने बढ़ा दी, उसके बाद आपकी ऑथराइज कैपिटल उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, आपकी कैपिटल उससे ज़्यादा नहीं सकती। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर से एमओए को चेंज करो और फिर से अपनी कैपिटल बढ़ा दो। मतलब देर इज़ नो लिमिट कि ऑथराइज कैपिटल कितनी बार बदल सकते हो, बट एक बार आपने जो फिक्स कर दी फिर उससे ऊपर जा सकते हैं। उससे ऊपर जाने के लिए पहले एमओए को जाके चेंज करो और फिर ही आप उसको बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। इशूड कौन सी? ऑथराइज में से आपने कितने शेयर्स एक्चुअली में इशू करें टू द पब्लिक या टू योर मेंबर्स, ये होगी इशूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट सब्सक्राइब, हमने तो इशू कर दी बट लोगों ने कितने शेयर्स लिए, लोगों ने कितने शेयर्स की सब्सक्रिप्शन भेजी, एप्लीकेशन भेजी, वो हो गई हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, मतलब मेंबर्स ने पब्लिक ने कितना पैसा उठाया। अब कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल हमने देखा होता है, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब हमने कितना पैसा मंगवाया। अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो 10 रुपये में से अगर 6 रुपये मंगवाएं तो 6 रुपये ही हमारी कॉल्ड अप कैपिटल रहेगी, बाकी के 4 रुपये क्या हो जाएंगे? अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल, हमने 10 में से 6 रुपये मंगवाए बट आए 5 रुपये हैं, तो हम क्या कहेंगे? 5 रुपये लोगों ने पे करें तो 5 रुपये क्या बन जाएंगे? हमारी पेड अप कैपिटल, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम लोग 12th में पढ़ के आते हो, अगर फाउंडेशन के अकाउंट से भी देखा होता है तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा मैं। नेक्स्ट अगला आ गया हमारा शेयर्स। शेयर्स का नेचर क्या है? शेयर्स है हमारे बेसिकली कैपिटल में आपका जितना भी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम? आपका शेयर। तो जितने आपने कैपिटल में पैसा डाला है उतने आपकी शेयर कैपिटल में हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। शेयर्स क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इमूवेबल नहीं है, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर्स का पुराने ज़माने में, आज के डेट में तो नहीं होता, शेयर्स को एक सेपरेट नंबर दिया जाता था, हर एक शेयर के लिए अलग नंबर होता था, सेपरेट नंबर, क्योंकि आज के डेट में सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तुमने सुना होगा कि शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड। जैसे पुराने ज़माने में जब फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू होते थे तो पेपर पे इशू होते थे, पेपर पे लिखते थे कि आपको इतने इतने शेयर्स मिल रहे, पेपर फॉर्म में होता था वो, बट आज की डेट में सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक हैं। आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक, एक बैंक अकाउंट समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है, लॉकर होता है, उसमें पहुंच जाते हैं, तो अब शेयर पे नंबर देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अभी भी फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होल्ड करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ ही सिचुएशंस में होता है, तो आपको फिर मिलेगा एक शेयर जिसपे नंबर लिखा होगा। तो शेयर्स हैव सेपरेट नंबर नंबर्स अगर आप उनको शेयर्स होल्ड करते हो फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। अच्छा, शेयर क्या है? आपका इंटरेस्ट है इन द कंपनी। इंटरेस्ट इन द कंपनी मतलब जितने आपकी शेयर होल्डिंग है उतना आपका इंटरेस्ट है कंपनी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपने पास। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये तो हमें पता है भैया।
हमारे पास शेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इनको तुम आगे चल के जब सीखोगे इनको बोलते हैं डीवीआरस। टाटा हमारे देश की पहली कंपनी थी जिसने डीवीआर इशू करते, डीवीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर आपके पास एक कंपनी में 10 शेयर हैं तो आपके पास कंपनी में 10 वोट्स आ गए। अगर आपके पास कंपनी में 100 शेयर्स हैं तो आपके पास 100 वोट्स आ गए। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप होल्ड करते हो आपके पास उतने नंबर ऑफ वो शेयर्स आ जाते हैं, उतने नंबर ऑफ वोट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या डीवीआरस। देखो कभी कभी कंपनी चाहती है कि पैसा तो पब्लिक से मिल जाए बट उनको वोटिंग राइट्स ना मिले। लेट अस सपोज पीछे के 3 रो वाले लोग अभी हमारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, अभी तुम लोग सारे हो कंपनी के कौन हो शेयर होल्डर, पीछे के लोग हमारे शेयर होल्डर नहीं है अभी। अब हुआ क्या, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे को पैसा चाहिए, मैं हूं कंपनी, मुझे पैसा चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए, लाओ पैसे दो। तुम कह रहे हो नहीं जी हमारे पास अभी पैसे नहीं, हम दे नहीं सकते, कड़की चल रही है। मैं कह रहा हूं तो ठीक है मैं पब्लिक से औरों से उठा लेता हूं शेयर्स, तो मैं पीछे वालों से शेयर्स उठाने की बात कर रहा हूं, तो तुम कहोगे ना 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 हम तो नहीं अलाउ करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम कहोगे कि भैया आप उनको भी मेंबर बनाओगे तो तुम्हारे जो वोटिंग पावर है वो डाइल्यूट हो जाएगी, वोटिंग पावर तुम्हारी कम हो जाएगी। अगर दूध पूरा ग्लास दूध लो और उसे पानी मिला दो तो दूध की शक्ति कम हो जाएगी ना। तो वैसे ही अगर तुम्हारी शेयर होल्डिंग में मैं औरों को भी जोड़ दूं तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी, तुम्हारी वोटिंग पावर कम हो जाएगी। तो तुम कहोगे ना मैं तो नहीं करता, हम तो नहीं देते। अब मैं कह रहा हूँ यार मुझे पैसे चाहिए, तो तुम कह रहे हो ना हमें नहीं, आप पैसा उठाओ कैसे मर्जी भी उठाओ, इन हम अपनी वोटिंग पावर में कम नहीं करना चाहेंगे। तो मैं क्या इशू करूँगा, मैं पीछे वालों को इशू कर दूंगा इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मैं इनसे कह दूंगा तुम मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें डिविडेंड दूंगा बट वोटिंग राइट्स नहीं दूंगा। अगर इनको पसंद है तो ले लेंगे, नहीं पसंद तो नहीं लेंगे। या फिर मैं इनको कह सकता हूं कि अगर तुम्हारे पास 10 शेयर हैं तो तुम्हारे पास 5 ही वोट आएंगे, ऐसा भी कर सकता हूं, मेरे ऊपर है कि 50% वोटिंग राइट्स ही मिलेंगे। 100% जैसे 100 के बदले 100 मिल रहे हैं, 10 के बदले 10 मिल रहे हैं, 100% नहीं कुछ कम कर दूंगा। या मैं तुमसे कह दूंगा, मैं इनसे कहूंगा कि भैया तुम एक काम करो, तुम वोटिंग राइट्स मत लो, तुम क्या कर लो जो मैं डिविडेंड इनको दूंगा ना उससे 5% ज्यादा तुम्हें दिया करूंगा। ठीक है, अगर मैं इन लोगों को 10% डिविडेंड दे रहा हूं तो तुम लोगों को कितना दूंगा 15%। तो क्या होगा, वो हो सकता है लालच में ले लें। तो ये होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जहां पे आप वोटिंग राइट्स में बदलाव कर सकते हो, या तो बिल्कुल मत दो या फिर कुछ कम ज्यादा कर दो, और उनको क्या कर दो बदले में कुछ और दे दो, ज्यादा हायर रेट ऑफ डिविडेंड दे दो। तो ये होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अच्छा फिर क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हमें पता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है। अच्छा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो ये प्रेफरेंस वर्ड है ये क्यों आता है, ये जो वर्ड आता है प्रेफरेंस ये क्यों आता है, किस बात की प्रेफरेंस होती है, वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर रीपेमेंट होगी तो सबसे पहले इक्विटी शेयर को नहीं प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट होगी। सिमिलरली जब पेमेंट आएगी डिविडेंड की तो डिविडेंड पहले सबसे पहले इक्विटी वालों को नहीं प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा और उसके बाद इक्विटी वालों को पेमेंट होगी। तो इनको प्रेफरेंस शेयर इसलिए बोलते हैं कि इनको आप प्रेफरेंस देते हो इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड या इन पेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मैंने डिस्कस किया, ये क्या है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी की औकात क्या है। सिंपली ऐसा समझ लो कंपनी इट, ये ऐसा समझ लो ये कंपनी की पावर बताता भी है पर साथ साथ कंपनी की पावर रोकता भी है, मतलब औकात बता देगा कि बेटा यहाँ तक कर सकते हो, फिर बस आसान क्या बोलता है बस यहीं तक कर सकते हो, समझ रहे हो। इट डिफाइंस द पावर्स एज वेल एज कन्फाइंस द पावर, कन्फाइन मतलब रोकता भी है पर बताता भी है। ठीक है, तो कंपनी क्या क्या कर सकती है, इसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वो चीजें वो बता सकता है। ठीक है, तो मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कंपनीज एक्ट तो बहुत ही फुद्दू सी डेफिनेशन देता है, कंपनी से क्या बोलता है
कमेंट में बोलता भैया, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम जो ओरिजिनली बनाया गया है या टाइम टू टाइम जिसको ऑल्टर किया गया है अंडर दिस लॉ और अंडर द प्रीवियस लॉ, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. तो वी कैन डिफाइन मेमोरेंडम एज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी. इट स्टेट्स पॉजिटिवली द रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड वॉट द कंपनी कैन डू, एंड इट ऑल्सो नेगेटिवली स्टेट्स द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ कंपनी, दैट इज वॉट द कंपनी कैन नॉट डू. तो हम कह सकते हैं इट डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस द पावर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो द मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इन टू पैराग्राफ्स नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली एंड साइंड बाई एटलीस्ट 7% इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2% इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1% इन केस ऑफ ओपीसी. ठीक है, आ जाओ. इट इज टू बी नोटेड दैट अ कंपनी बींग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, हाउ एवर अ माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी टू एमओए एज ही इज नॉट कॉम्पिटेड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक माइनर कभी भी वो नहीं बन सकता एमओए का सिग्नेटरी, मतलब एमओए को साइन नहीं कर सकता. अच्छा, क्या एक कंपनी एमओए को साइन कर सकती है किसी दूसरी कंपनी के? यस. मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी खोलना चाहती है. तो सब्सिडियरी कंपनी कैसे खोलेगी? कंपनी अपने आप पे तो साइन नहीं कर सकती जाके, आर्टिफिशियल पर्सन है. तो कंपनी क्या करेगी? अपना एक एजेंट अपॉइंट करेगी. वो एजेंट जाके सब्सिडियरी कंपनी के एमओए को साइन करेगा और नीचे लिख के आएगा कि मैं साइन तो कर रहा हूँ, बट नीचे लिख देगा दिस इज सिग्नेचर्स ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल कंपनी होल्डिंग कंपनी, उसका नाम लिख के आ जाएगा नीचे. ठीक है. अच्छा, क्या एक माइनर का पेरेंट या गार्डियन साइन कर सकता है? कर सकता है, बट वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में होगा, माना नहीं जाएगा कि बच्चे के बिहाफ पर साइन किया है. अगर एक पेरेंट ने साइन किया ये बोल के कि मैं तो बच्चे के लिए बिहाफ पर साइन कर रहा हूँ, तो कहेंगे ना भैया ना, बच्चा तो साइन कर ही नहीं सकता, आपने साइन किया है अपने खुद के पर्सनल कैपेसिटी में, बच्चे का नाम मत लगाओ बीच में. ठीक है, आगे. ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखो, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर द विच द कंपनी फॉर्म. कंपनी में एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, जब कंपनी का जो एमओए बनता है उसके अंदर एक होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी या कंपनी क्या क्या काम करेगी. अगर तुमने कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज देख लिया ना किसी दिन, तो तुम कहोगे भैया ये तो इतनी सारी चीज़ें लिखती करती तो है नहीं इतने सारे काम. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कह दूँ कि तुम अगर देखो जियो का, जियो क्या करता है, या तो उसमें फ़ोन टेलीकम्युनिकेशन में, वहीं तुम इसका जियो का अगर तुम ऑब्जेक्ट क्लॉज जाके देख लो ना, तो उसमें उसने पता नहीं क्या क्या लिख रखा होगा. उसने लिख रखा होगा कि हम बिस्किट बनाएंगे, हम चाय की पत्ती बनाएंगे, हम जूते बेचेंगे, हम कपड़े बेचेंगे, ये सब भी लिख देते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आगे चल के कभी ये काम करना पड़ गया या गलती से पीछे से किसी एक्टिविटी से ये काम हो गया, तो फिर आप बता तो सकते हो देखो हमने अपने एमओए को तोड़ा नहीं है. ठीक है, मतलब आप पहले से ही बता के चल रहे हो. इतनी चीज़ें लिख देते हैं, करते नहीं है कोई काम वो वैसा, बट ऑब्जेक्ट क्लॉज में डाल देते हैं ताकि अगर गलती से आगे चल के वो काम किसी कोई किसी ट्रांजैक्शन से हो जाए या फिर आगे चल के उनको वो काम पिक करना पड़े, तो एमओए को बार बार चेंज ना करना पड़े. एक ही बार में लिख दिया कि भैया हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, भले करते कुछ नहीं है. ठीक है, तो कंपनी अपने एमओए में लिख देती है कि पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशंस क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है उनके. ठीक है, अब ध्यान रखना, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इंसान हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकता है, वैसे ही कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई भी पढ़ सकता है. कहने का मतलब क्या है, अगर आपने एक बार एमओए बनाया, एमओए क्या करना है, सबमिट करना है आरओसी को. हमने अभी डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट्स में कि एमओए सबमिट करना है. ये दोनों डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब आम जनता के पास फ्रीली अवेलेबल है. आप 100-200 रुपये पे करो, आपको किसी भी कंपनी का एमओए मिल सकता है. अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाने से पब्लिक घाटे में आ जाती है थोड़ी बहुत, कैलोर घाटे में भी आती है, कंपनी पब्लिक का फायदा भी हो जाता है. कैसे? अगर मान लो तुम कंपनी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हो कुछ बेचने का खरीदने का, और बाद में पता चलता है कि कंपनी ये काम नहीं कर सकती, कंपनी के एमओए में ये बात नहीं लिखी थी, तो तुम आगे चल के कंपनी से पैसे नहीं ले पाओगे उस सामान के जो तुमने अगर सामान उसको कुछ बेचा है. क्यों? क्योंकि कंपनी का एमओए है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है,
तो ये मान के चला जाता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, उसी के बाद आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और आपने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किया पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के बाद भी, इसका मतलब आपने पढ़ लिया था, पढ़ने के बावजूद भी आपने कोई गलती करी है तो फिर आपको वापस नहीं मिलने वाला। मतलब ये चीज़ हो गई वॉइड अग्रीमेंट वाली, जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप में पढ़ते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत है, फिर भी कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने ट्रांजैक्शन सोच समझ के करी है। फिर आप कहो कि भैया मैंने जो दिया मुझे वो वापस दे दो या उसकी पेमेंट दे दो, नहीं मिलेगी। तो सेम ही चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि MOA AO एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो लॉ ये अज्यूम करके चलता है कि आपने ये पब्लिक डॉक्यूमेंट को पढ़ा है और पढ़ने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, भले तुमने नहीं पढ़ा। और कौन करता है बताना, तुम कोई सामान खरीदते हो या सामान बेचते हो जाके कभी किसी कंपनी से, कुछ भी करोगे तो क्या पढ़ते हो MOA? ना, कोई नहीं पढ़ता। बट अगर बाद में निकल गया ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने किया कंपनी के साथ वो कंपनी की पावर में नहीं था, तो आगे चल के तुम कंपनी से कहो उसके पैसे दे दे, नहीं देने, उसकी उसकी लायबिलिटी नहीं बनती, ना ही कंपनी वो सामान वापस देने के लिए लायबल है, उसको वापस भी नहीं देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने जो भी पढ़ा है ना, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये हम अभी देखो आने वाला, ये देखो कहाँ गया। ये रहा देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये, कि MOA और AOA भाई साहब पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, उनको पढ़ने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट करना। लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा आपने इसको पढ़ने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट तो विद इन MOA तो बहुत बढ़िया, बट अगर MOA की पावर के बियॉन्ड चला गया तो आपने कोई भी चीज़ करी है तो आपको फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपनी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना ही सामान वापस देने की जरूरत है, ना ही किसी तरीके से कंपनी की कोई लायबिलिटी आएगी, आउटसाइडर्स का नुकसान है। मतलब ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी को। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्ट नोटिस आ जाओ। तो हमने क्या कर लिया, अपने पास ये डिस्कस कर लिया कि MOA AOA क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। बट ध्यान रखना, कंपनी अपनी औकात के बाहर नहीं जा सकती, मतलब कंपनी किसकी बन जा सकती, MOA की बियॉन्ड जा सकती। बट ध्यान रखना, MOA की भी एक लिमिटेशन है, MOA किसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड। यानी कि सबसे ऊपर बैठा है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, इसके नीचे आता है MOA और इसके नीचे आता है AOA। ठीक है, मतलब आर्टिकल्स इसको नहीं तोड़ सकते और MOA इसको नहीं तोड़ सकता। अगर आपका MOA में कोई ऐसी बात लिखी है जो कंपनीज एक्ट की बात को वायलेट करती है, तो वो प्रोविजन इनवैलिड हो जाएगा MOA का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब बात यह आती है कि सर MOA हर कोई कंपनी अपने हिसाब से बना के ले जाएगी, तो सिल ने क्या बोला, ना ना ना, कंपनीज एक्ट ने बोला मैं ना आपको एक फॉर्मेट दूंगा, हर किसी को सेम फॉर्मेट में MOA लेके आना है मेरे पास। ROC ने बात बोल दी, तो क्या बोला, टेबल ए दिया किसके लिए, MOA आपको बनाना है अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर आपकी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो टेबल ए के हिसाब से लेके आओ। टेबल बी किसके लिए है, जिनमें गारंटी कैपिटल वाली कंपनी है बट शेयर कैपिटल नहीं है। टेबल सी किसकी है, जिसमें गारंटी कंपनी और शेयर कैपिटल दोनों है। टेबल डी किसकी, अगर आपकी एक अनलिमिटेड कंपनी है और उसमें शेयर कैपिटल नहीं है। टेबल ई किसकी, अनलिमिटेड कंपनी है और उसमें शेयर कैपिटल है। मतलब इसी फॉर्मेट में लेके आना है, ऐसे नहीं कि हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट में MOA ला रहा है, इस फॉर्मेट में आपको ये लेके आना है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आप एक बार बता दो कि किस टेबल से किस तरीके का फॉर्मेट किस किस को फॉलो करना है। ठीक है, अब कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम देखो, मेमोरेंडम के क्या क्या कंटेंट रहेंगे, भैया लिखना क्या है ये तो बता दो। इसके अंदर 6 चीज़ें होती हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज और आगे ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, बहुत सारे क्लॉज। तो देखो नेम क्लॉज, भैया नाम से समझ आ रहा है, नेम क्लॉज क्या है, कंपनी का वो क्लॉज जिसमें कंपनी अपना नाम लिखेगी। ठीक है, तो कंपनी का जो भी नाम है वो लिखा जाएगा नेम क्लॉज में। ध्यान रखना, अगर आपकी एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम पे क्या लिखा होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपकी पब्लिक कंपनी तो क्या लिखा होना चाहिए, लिमिटेड। OPC है तो 1% कंपनी लिखाना चाहिए, और अगर आपकी एक सेक्शन एट कंपनी है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो मर्जी नाम लिख लो, ना तो लिमिटेड लिखने की जरूरत है, ना प्राइवेट लिमिटेड, ना OPC, सेक्शन एट कंपनी जो मर्जी चाहे लिख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज,
यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है उस स्टेट का नाम जिस स्टेट में आपका हेड ऑफिस है। तो देखो क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्टेट जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट, अच्छा ध्यान रखना इसका दूसरा नाम है सिचुएशन क्लॉज। लिखना चाहते तो लिख लो, इसका दूसरा नाम है सिचुएशन क्लॉज। अच्छा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कंपनी क्या क्या करने वाली है। मैंने बताया था ना करते थोड़ा सा ही काम है, लिख देते हैं सारे काम। तो कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखेगी कि किस किस ऑब्जेक्टिव से वो कंपनी क्या क्या करेगी, वो सब यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा कि क्या कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अच्छा अगर कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये लिमिटेड बाय गारंटी है या बोथ है, वो सारी चीज़ यहाँ पर लिख दी जाएगी। ठीक नेक्स्ट अगला है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या है, ये बताया जाएगा कि कंपनी में शेयर कैपिटल कितनी होगी, मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी मैक्सिमम कितनी लग सकती है। ये उसको कंपनी को लिखने की जरूरत नहीं है जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब एक गारंटी कैपिटल वाली कंपनी या एक अनलिमिटेड कंपनी जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है उनको ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया कैपिटल क्लॉज उन्हीं के लिए लिखना है जो जिनके पास शेयर कैपिटल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी, आप शेयर्स पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करोगे और मैक्सिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज का मतलब है इसका दूसरा नाम है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा कि भैया जो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कौन कौन हैं और उनके पास कितने कितने शेयर्स हैं, उनके नाम क्या क्या लिख दिए जाएंगे कि भैया हमारे पास 6 सब्सक्राइबर है, मतलब 6 प्रमोटर हैं और 6 के 6 ने कितने कितने शेयर्स लिए, उनकी सारी डिटेल्स कहाँ लिखी जाएंगी एसोसिएशन क्लॉज में। एक और क्लॉज होता है नॉमिनेशन क्लॉज, EFG। एक और होता है नॉमिनेशन क्लॉज, इसी के ऊपर लिख लो। नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ एक OPC में ही होता है और उसके अंदर क्या लिखना होता है, नॉमिनी शेयर होल्डर का नाम। हमने देखा है OPC में एक नॉमिनी शेयर होल्डर अपॉइंट होता है जो कंपनी को टेक ओवर करेगा अगर मेंबर की डेथ हो जाए या मेंबर इनकैपेसिटेट हो जाए, तो नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ एक OPC को भरना है, नॉमिनी शेयर होल्डर का नाम लिखेंगे यहाँ पे उसके अंदर बस। ठीक है नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये जो वर्ड है डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, बहुत बार बताया मैंने क्लास में, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो देखो जी ये अल्ट्रा वायरस है, वायरस नहीं है, कभी तुम यहां लिख दो वीरु सहस्त्र बुद्धि, याद है कौन था 3 डेट्स वाला वीरु सहस्त्र बुद्धि वाला वायरस बोमन ईरानी, तो वायरस नहीं है वायरस ही है अल्ट्रा वायरस, और तार नहीं है ये, कभी बिजली की तार समझ लो वायर, ये वायर नहीं है, स्पेलिंग ठीक है और वायरस भी नहीं है। ठीक है अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपली आप अगर अपनी औकात से बाहर जाके काम कर दो तो आपने क्या किया, एक अल्ट्रा वायरस एक्ट किया है। ठीक है कहते ना आप अपनी आप क्या आप चादर से बाहर पैर मत फैलाओ, जितनी आपकी चादर है चादर में पैर रखो, चादर के बाहर पैर रख दिया तो क्या हो गया अल्ट्रा वायरस। आपने अगर अपनी औकात से बियॉन्ड जाके कोई काम कर दिया तो वो क्या हो गया, एक एक अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया। तो देखो अभी हम डिस्कस करके आए कि भैया एक सबसे ऊपर बैठता है कंपनीज एक्ट, उसके नीचे कौन बैठता है MOA, उसके नीचे कौन बैठता है AOA और उसके नीचे कौन बैठता है डायरेक्टर्स। ठीक है अब देखो सबके पास पावर है बट सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, कंपनीज एक्ट के पास पावर है, और सबसे कम पावर किसके पास है, डायरेक्टर्स के पास है। मतलब देखो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हो सकता है कि डायरेक्टर की ये पावर है। ठीक है लेट अस सपोज आर्टिकल्स में लिखा है कि डायरेक्टर्स अगर लोन लेना चाहें कंपनी के बिहाफ पे तो वो लोन ले सकते हैं अप टू मान लो 50 करोड़, ऐसा कुछ लिख दिया कि डायरेक्टर्स अपने आप से जाके कंपनी के बिहाफ पे 50 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। अब एक डायरेक्टर जाके लोन लेता है 55 करोड़ का, तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो गया, आपकी हैसियत से बियॉन्ड जाके आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी तो ये क्या हो गया अल्ट्रा वायर्स। ये
बट ध्यान से सुनना सब लोग, डायरेक्टर्स की पावर की बियॉन्ड है बट कंपनी की पावर की अंडर अंडर है। क्योंकि अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि डायरेक्टर्स 50 करोड़ तक ले सकते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर 50 करोड़ से ज्यादा लोन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि कंपनी की पावर के अंदर है, कंपनी उठा सकती है 50 करोड़ से ज्यादा बट डायरेक्टर नहीं उठा सकता, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स, अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर्स द कंपनी। आया समझ, अल्ट्रा मतलब बाहर चला गया, किसके पावर के बाहर चला गया, कंपनी की पावर के बाहर चला गया बट किसकी नहीं सॉरी डायरेक्टर की पावर के बाहर चला गया बट कंपनी की पावर के अंडर अंडर है। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर्स द कंपनी। तो क्या हम इस ट्रांजैक्शन को, मान लो डायरेक्टर्स ने लोन उठा लिया 55 करोड़ का, तो क्या हम इस ट्रांजैक्शन को अब ठीक कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं अगर मेंबर्स इस लोन को अप्रूव कर दें। पावर में तो है ना, 50 करोड़ से ऊपर ले सकते हैं, कैसे, डायरेक्टर्स परमिशन ऑफ मेंबर्स की। तो लोन तो उठा लिया, अब अगर मेंबर्स अप्रूव कर देते हैं कि हाँ भाई ले लो कोई बात नहीं, तो क्या होगा, चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई ट्रांजैक्शन करी जो अल्ट्रा वायर्स है द आर्टिकल्स, मतलब आपने आर्टिकल को तोड़ दिया बट वो एमओए के अंडर है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स बट इंट्रा वायर्स द कंपनी। क्योंकि एमओए के अंडर अंडर में है बट आर्टिकल्स के बियॉन्ड है। तो क्या हम एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स है बट इंट्रा वायर्स द कंपनी, क्या इसको ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं, मेंबर्स अगर इसको अप्रूव कर दें, अगर मेंबर्स कह देते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे, आर्टिकल्स को अमेंड कर देंगे और उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एमओए, अगर एक ट्रांजैक्शन हो गई अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, मतलब अगर आप एमओए को तोड़ देते हो तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, क्योंकि कंपनी की ताकत ही वहीं तक है, तो क्या इसको मेंबर्स अप्रूव कर सकते हैं? ना, अब नहीं, अगर एमओए के बियॉन्ड जाके कोई काम कर दिया ना, तो वो फिर अप्रूव नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा, आपको एमओए ही बदलना पड़ेगा। ये नहीं है कि 100% मेंबर्स भी अगर अप्रूव कर देना कि हमें ट्रांजैक्शन अलाउ कर रहे हैं, तब भी नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एमओए को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हो। बट ध्यान रखना, एमओए को आप चेंज तो कर सकते हो बट किसके बियॉन्ड नहीं ले सकते, कंपनी से के बियॉन्ड नहीं ले सकते। मतलब आप ट्रांजैक्शन को चेंज कर लो, एमओए को बदल लो, बट हैसियत में रहना अपनी, कंपनी से के बियॉन्ड मत चले जाना, ठीक है। तो इसकी इसकी अगर ये कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, इन दोनों की ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर्स हो रही है, तो उसको ठीक किया जा सकता है, रेटिफाई किया जा सकता है बाय द मेंबर्स। बट अगर यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स हो गई तो उसको मेंबर्स भी ठीक नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एमओए को ही चेंज करना पड़ेगा, बट हैसियत में रहना, कंपनी जैक के बियॉन्ड मत चले जाना, ठीक है। ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, पढ़ लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देख लेते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, मैंने बताया था, ये समझ लो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमने बोला था कंपनी की औकात है ये काम करने की, बट वो कंपनी काम करेगी कैसे, उसके स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या रहेगा, ये सब कहाँ लिखा होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ये एक तरीके से कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले हैं कि कंपनी काम चलाएगी कैसे, ठीक है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये ध्यान रखना, ये भी अपने आप में क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जैसे एमओए है वैसे ही एओए भी क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मतलब आप अपने इसको मान के चलते हो कि पब्लिक जब आपके साथ डील करेगी तो ये पढ़ के बैठी होगी इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, मैटर्स लिखे होते हैं कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, एडिशनल मैटर्स भी इसके अंदर होते हैं। इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट, ध्यान रखना एक वर्ड है प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट। अब देखो, कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो आप चाहते हो कि कोई ईजिली ना बदले। अभी हमने डिस्कस किया कि भैया आर्टिकल डायरेक्टर की पावर की बियॉन्ड को चला जाए तो उसको ठीक कर सकते हैं, आर्टिकल्स की पावर की बियॉन्ड को चला जाए तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि भैया कुछ कुछ मैटर ना
अगर बदलाव करने हैं तो उनमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आए, इतनी आसानी से आप उस लॉ को अगर नहीं बदल सकते तो क्या बोलते हो उसको आप, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। जैसे तुम्हें पता होना चाहिए हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप आसानी से नहीं बदल सकते, आपको लोकसभा और राज्यसभा में दोनों से अप्रूव करवानी पड़ेगी ट्रांजैक्शन, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ लोकसभा में पास करवा लिया, राज्यसभा ने पास नहीं करा, नहीं, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, बोथ हैव टू अप्रूव द ट्रांजैक्शन, ओनली देन विल द कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज्ड। तो ऐसे ही आप अपने कंपनी में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको आप चाहो कि भैया ये एक आसानी से ना बदला जाए, ये चाहिए तो सबका अप्रूवल चाहिए, या ये जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल एक कोई ट्रांजैक्शन है जिसके लिए अगर आप सिर्फ मोर देन 50% लोग अब अप्रूव कर दें तो ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाती है, बट आप चाहते हो नहीं 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 ये मैटर ना मोर देन 50% से नहीं चलना चाहिए, इसके लिए चाहिए मान लो मोर देन 75% लोगों का अप्रूवल चाहिए, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करवाना चाह रहे हो जिसको आप पास तो ऐसे कर सकते हो बट आप चाहते हो इतनी आसानी से ना बदला जाए, स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस है, या तो मोर देन 50 या फिर जब तक 100% लोग अप्रूव ना करें तब तक ये चीज़ चेंज ना हो, तो आप उस मैटर को क्या डालोगे, प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट में डालोगे, ठीक है। और आप प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट में उस मैटर को डाल दोगे तो ROC को बताना पड़ेगा कि भैया ROC ये मैटर ना, वैसे तो कंपनीज एक्ट ये बोलता है बट मैं इस मैटर को और स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, तो ROC को आपको बताना पड़ेगा। ये प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट आप कब डाल सकते हो, कभी भी, जब आप कंपनी का आर्टिकल लिख रहे हो स्टार्ट फर्स्ट टाइम पे तब भी डाल सकते हो, फ्यूचर में कभी आपको किसी मैटर को प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट डालना है तो फ्यूचर में भी डाल सकते हो, बट जब भी कोई मैटर प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट में डालोगे मतलब इंट्रेंच करोगे किसी मैटर को, इन्फॉर्म कर देना ROC को ताकि ROC के बाद पता चल जाए, ठीक है। देख रहे हो प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट क्या है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को बदलने में थोड़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो वो बता देना। तो देख लो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो कंपनी के फॉर्मेशन पे भी, या आगे चल के भी आप अमेंड कर सकते हो। जब भी आप प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट डालोगे तो नोटिस दे देना ROC को, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था मेमोरेंडम के लिए टेबल है, टेबल ए, टेबल बी, ABCDE, वैसे ही आर्टिकल्स के लिए भी टेबल्स हैं, FGHIJ, ठीक है। ये हमारे मॉडल आर्टिकल्स हैं और आपको इन्हीं मॉडल आर्टिकल्स को देख के अपना वो बनाना है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब नए एक्ट में अगर आपकी रजिस्टर्ड हुई है तो आपको हर वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी जो इस कंपनी एक्ट के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, MOA और AOA के बीच का डिफरेंस है। MOA की पावर क्या है, MOA चार्टर है मतलब कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन है, और आर्टिकल्स क्या हैं, सबऑर्डिनेटेड टू द मेमोरेंडम, मतलब AOA की पावर कम है, MOA की पावर ज़्यादा है। अल्ट्रा वायर्स, अगर आपने एक कोई काम किया है जो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है, अगर जो ट्रांजैक्शन है अल्ट्रा वायर्स द कंपनी मतलब कंपनी की हैसियत से बाहर है, MOA के बियॉन्ड है, तो फिर वो आप ठीक नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, MOA को ही चेंज करना पड़ेगा। बट अगर कोई चीज़ AOA के पावर के अंडर में है बट MOA के अंडर में, AOA के बियॉन्ड है बट MOA के अंडर में, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कैसे, मेंबर से उसको रेटिफाई करवा लो। रजिस्ट्रेशन, एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स ओन मेमोरेंडम, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स ओन आर्टिकल्स, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ठीक है। बट इनके जो टेबल नंबर है वो अलग अलग है, ABCDE है यहाँ पे और यहाँ पे FGHIJ है। MOA कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इजीली, AOA कैन बी ऑल्टर्ड इजीली इफ इट इज डिजायर्ड बाय 3/4 मेजोरिटी। इसका नेचर क्या है, इसके अंदर बेसिक कंडीशन लिखी होती है कि कंपनी किस पे फॉर्म होती है। इसके अंदर 6 क्लॉज होते हैं, हमने पढ़ा था नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज, जितने भी क्लॉजेस थे सारे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसका स्कोप क्या है, ये बताता है कंपनी की औकात क्या है और एक्सटेंट ऑफ द एक्टिविटीज़, ये बताता है आप वो काम करोगे कैसे, गवर्न्स द वेज इन विच द ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी कैरिड आउट, ठीक। नेक्स्ट अगला आ रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भैया आप अपनी औकात के बियॉन्ड जाके नहीं कर सकते, मतलब सॉरी ये क्या बोल दिया मैंने, मतलब आप जब कंपनी के साथ डील करते हो तो माना जाता है कि आपने वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स AOA और MOA को पढ़ा है। अगर आप वो
बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और बाद में पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के साथ किया है वो कंपनी की पावर में नहीं था, तो कंपनी लायबल नहीं है, कंपनी का डेटर भी लायबल नहीं है, जो आउटसाइडर है उसी को लॉस उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कंसल्टेंसी नोटिस हमने डिस्कस कर लिया, तो मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ आगे। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये क्या कहता है, ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को, जैसे कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को। अब देखो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि जी कोई एक चीज़ है, कोई ये अगर कोई ये वाली ट्रांजैक्शन करनी है तो इसमें दो डायरेक्टर के सिग्नेचर चाहिए, या आपके डायरेक्टर्स ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये एमओए में लिखा है, एओए में लिखा है। अब कंपनी की इंटरनल रेगुलेशन है, अब कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव करनी है तो दो डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे। ठीक है, हुआ क्या कि सिर्फ दो डायरेक्टर ने साइन करा, कंपनी सेक्रेटरी ने साइन नहीं करा, ये बात क्या एक आउटसाइडर को पता होगी? नहीं। क्यों? कंपनी की क्या है ये इंटरनल पॉलिसी, इंटरनल रेगुलेशन है कि भैया इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन है तो दो डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी ने साइन नहीं करे, दो डायरेक्टर ने साइन कर दिए और आउटसाइडर ने ट्रांजैक्शन अप्रूव कर ली, क्योंकि उसको पता था डायरेक्टर एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टर ने ही सिग्नेचर मारे, वो खुश हो गया। बाद में क्या पता चलता है कि भैया सीएस के तो सिग्नेचर ही नहीं है, कंपनी मना कर रही है अपनी लाइब्रेरी उठाने से। तो यहाँ पे आउटसाइडर को वो मिलता है एक बेनिफिट, क्या कि भैया इंटरनल रेगुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो आउटसाइडर्स को नहीं पता हो सकती कभी भी, तो इस सिचुएशन में आउटसाइडर विल कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द कंपनी, मतलब कंपनी इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल कैसा आएगा? सवाल आएगा कि भैया एक ट्रांजैक्शन है जो कंपनी की इंटरनल रेगुलेशन के हिसाब से उसमें दो डायरेक्टर और एक सीएस के सिग्नेचर चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर चाहिए। अब हुआ ये कि दो डायरेक्टर के तो साइन कर दिए, जो कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर थे वो फॉर्ज कर दिए। फॉर्ज समझते हैं, जाली सिग्नेचर। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन पे दो डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर चाहिए, सीएस के सिग्नेचर हमने जाली कर दिए, मतलब नकली कर दिए, आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन हो गई, आउटसाइडर को नहीं पता कि सिग्नेचर फॉर्ज्ड है। अब आउटसाइडर को बाद में पता चलता है कि फॉर सिग्नेचर है, अब कंपनी वो लाइबिलिटी उठाने से मना कर रही है, या वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात करी, कह रही है मैं तो नहीं उठाऊंगी लाइबिलिटी या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी। बताओ क्या आउटसाइडर कंपनी पे केस कर सकता है? नहीं। एक बार बताओ, जो मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था और जो अभी वाला एग्जांपल है, इसमें कोई फर्क है क्या? यहां नकली साइन कर रहे थे, वहां पे साइन नहीं थे, करेक्ट, यही था ना। अब तुम देखो, साइन करे नकली, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, अगर आपने किसी के फॉर्ज्ड सिग्नेचर करे हैं, जाली सिग्नेचर करे हैं, तो वहां पे लैक ऑफ कंसेंट है। हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है कि आपको कंसेंट लेनी चाहिए किसी की, आपने किसी की कंसेंट ही नहीं ली, एब्सेंस ऑफ कंसेंट चल रहा है यहाँ पे, फ्री कंसेंट तो छोड़ो, यहाँ पे तो कंसेंट ही नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आउटसाइडर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर्स फॉर्ज्ड हैं। ठीक है, सिग्नेचर ना होना फिर भी एक बार को समझ में आ जाता, सिग्नेचर्स जाली कर दिए, तो यहाँ पे सीएस की कंसेंट ही नहीं ली गई थी, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे क्या होगा, वो हो जाएगा। हाँ पता है मुझे, आउटसाइडर को नहीं पता था, बट वो ये बात, उसको ये बात तभी उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आउटसाइडर को नहीं पता कि भैया जाली सिग्नेचर कर रखे हैं, बट लॉ ये कहता है कि भैया अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, नुडुम पैक्टम, नहीं वो कंसिडरेशन का है ना, नुडुम पैक्टम ही ना, कंसिडरेशन वाला ही तो है ना, इसका क्या था, कंसेंट ही नहीं है, अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अगर कंसेंट है बट फ्री नहीं है तो वॉइडेबल बनता है, कंसेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, ये इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे जब सिग्नेचर, हाँ तो यहाँ पे फिर इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, तो आउटसाइडर को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूट ऐसे फंसाएगा, वो तुम सोचोगे भैया डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बिहाफ पे उसको वो बच जाएगा कि भैया उसको तो पता नहीं था, बट नहीं, फॉर्ज सिग्नेचर के केस में गया, मात खा गई।
एक डायरेक्टर के साइन नहीं है, नहीं है, सीएसके है, तो एक डायरेक्टर मिसिंग है ना, बट चल तब चल जाएगा, क्योंकि वहां पे फॉर्जरी नहीं आ रही, जाली सिग्नेचर नहीं है, जाली सिग्नेचर आ गया तो खत्म बात, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन टू डॉक्टर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। इंडोर मैनेजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब आउटसाइडर को यहां पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। कब? अगर आउटसाइडर को इरेगुलरिटी की नॉलेज ही थी, आउटसाइडर को नॉलेज थी इरेगुलरिटी की। जैसे देखो, इस पे एक सवाल आया, क्या सवाल आया, एक कंपनी है, कंपनी को अगर आउटसाइडर्स से लोन लेना है तो वो लेट अस सपोज लोन ले सकती है अप टू 5 करोड़, ठीक है, मतलब डायरेक्टर्स की परमिशन से। अगर डायरेक्टर्स की परमिशन से बियॉन्ड लेना है तो क्या करना है, मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, मेंबर से अप्रूवल लेना है अगर लोन लेना है बियॉन्ड 5 करोड़, ठीक है। अब हुआ क्या, डायरेक्टर्स ने लोन दे दिया कंपनी को, कितने का, 7 करोड़ का, ठीक है। डायरेक्टर्स ने क्या किया, कंपनी को लोन दे दिया 7 करोड़ का। लोन आउटसाइडर से ले सकते हैं अप टू 5 करोड़, डायरेक्टर्स ने लोन दे दिया 7 करोड़। डायरेक्टर्स यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों जी, क्योंकि डायरेक्टर तो कंपनी चला रहा है, इस आदमी को तो नॉलेज होनी चाहिए भाई साहब कि भैया आपको 5 करोड़ ज्यादा लोन नहीं लेना, 5 करोड़ ज्यादा ले तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, 7 करोड़ कैसे दे दिया आपने। तो यहां पे अगर आपको एक्चुअली में नॉलेज है अबाउट द इरेगुलरिटी, फिर भी आप वो कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं ले सकते, डायरेक्टर्स 5 करोड़ तक के ही लोन वापस ले पाएंगे, 2 करोड़ का चंपत, अगर वो अप्रूव नहीं करते मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, अगर आपके पास डाउट भी है, आपको डाउट भी हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है, अगर आपको डाउट भी है तब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। आओ जैसे कैसे देखो, एक एग्जाम्पल, ये एक कंपनी है, इस कंपनी के अकाउंटेंट ने क्या किया, कि ये कंपनी का एक अकाउंटेंट, मतलब कौन, एक पढ़ा लिखा बस जो बीकॉम का बच्चा है, अकाउंटेंट तो ज्यादातर बीकॉम ही होता है, ये अकाउंटेंट जाके मान लो एक कंपनी है बी लिमिटेड, उससे कह रहा है कि तुम ये जो कंपनी है ए लिमिटेड मेरे से खरीद लो इसके 95% असेट्स। सोचो, क्या एक कंपनी अपने अकाउंटेंट को इतनी ताकत देती है कि वो जाके किसी दूसरी कंपनी को अपने इतना बड़ा पोर्शन ऑफ असेट्स बेच दे, नहीं ना। तो बी लिमिटेड को क्या होना चाहिए, सस्पिशन होना चाहिए ना, शक होना चाहिए कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर सस्पिशन होना चाहिए, आपको सस्पिशन है फिर भी आप कर रहे हो, तो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। ये तो इंडोर मैनेजमेंट हो गया ना, इंटरनल मैटर है कि अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, इसको नहीं पता हो सकता, बट भैया खुद भी तो बुद्धि लगाओ कि एक अकाउंटेंट जाके इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कैसे कर रहा है। तो अगर ऐसा भी है तो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आउटसाइडर नहीं ले सकता, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्जरी, ये भी डिस्कस कर दिया था मैंने, अगर जाली सिग्नेचर हैं, दो डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर की जरूरत थी, और एक आदमी के सिग्नेचर जाली कर दिए, फॉर्ज कर दिए, तो फिर आप डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहां से हमारा कंपनीज एक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। बताओ, कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो बताओ। नहीं, चलो फिर, तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, बाय बाय।